ये 5 फुट ऊंची है और 18 फुट की लेंथ में मैं लेके आया हूँ, 400 रुपये पर फुट के हिसाब से। तो ये, और उसके अलावा इसके अंदर आपको एक छोटी जाली नज़र आ रही होगी, वो 3 फुट ऊंची है और वो मैं 5 फुट ले गया। तो ये टोटल जाली जो मेरी है वो 1100 रुपये की आई है। और ये नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, ये लकड़ियाँ हैं, ये 5 फुट ऊंची हैं, ये मेरी स्पोर्ट्स हैं, मतलब कि सबसे मेन इन्हीं पे वजन आएगा। और ये लकड़ी तो नॉर्मल ही है, लेकिन ये आगे काम चल जाएगा हमारा। तो ये तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी है, 1.5 फुट लंबी है सॉरी, और ये 1.25 फुट चौड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये डिफरेंट साइज़ेस में है, ये ज़रा मुझे सस्ते रेट में मिल रही थी इसलिए मैंने उठा ली। तो ये 50 रुपये की एक लकड़ी मुझे मिली है, और सॉरी इसका रेट नहीं बताया आपको, ये मुझे मिली है 4 पीस तकरीबन 450 रुपये का, और ये मुझे 12 पीस मिले हैं तकरीबन 1200 के, नहीं 600 के सॉरी, 50 की एक पीस तो 600 के। और ये 3 लेंथ हैं 7 फीट में, और इनकी लेंथ जो है 4 फीट है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है उससे, और ये इनकी 7 फीट के आसपास है। ये 3 लेके आया हूँ मैं दरवाज़े वगैरह बनाने के लिए। और इसके पीछे आपको एक गोला नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये एक गोला है, ये देख मैं 200 का लेके आया हूँ, 200 के 10 पीस लेके आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी है कील पेच वगैरह, ये दरवाज़ों की कुंटियाँ हैं, ये इसका रेट मुझे याद नहीं है, और ये कील हैं 20-30 रुपये के, साइज डिफरेंट साइज़ में लेके आया हूँ, बहुत सारे ले आए हैं। उसके बाद ये अपनी शीट है, प्लाई कहते हैं जिसको, ये है मेरे पास 4x4 की है, 4x4 की है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 सूतर होगी, हाँ जी 2 सूतर, और ये मुझे पूरा पीस मिला है 500 रुपये का। चलें अब जो हमने कट कटिया करना वो स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा ये टेबल पे हमारा सारा सामान पड़ा है, ये चार्जर पावर बैंक का निकाल के ये बाकी सामान है। सो गाइस इन चारों की सेम लेंथ, ये 5 फीट मेन, और ये हमारा फ्रंट है, 6 पीसेज इन सारों की सेम हाइट हो गया, इन सारों की सेम हाइट हो गया।
सो गाइज ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। ये आपको फ़िलहाल तो छोटा सा लग रहा है ये, लेकिन ये दो पोर्शन वाला और काफ़ी ऊंचा है। इसकी हाइट तकरीबन 5 फीट के आसपास है। ये दरवाज़ा इसका तकरीबन फुट बाय फुट का रखा हुआ चौरस, और इसकी जो फ्रंट आपको नज़र आ रहा है ये 5 फुट है, नहीं सॉरी 4 फुट, और इसकी जो गहराई आपको नज़र आ रही है वो तकरीबन 2 फुट है। सो अब चलते हैं कि मैंने जोड़ा कैसे। तो ये जो लकड़ी आपको नज़र आ रही है ये तो ऐसे लगेगी सीधी, और दूसरी ये वाली लकड़ी लगाने के लिए मैंने इसमें हल्के कट्स लगाए हैं, और ये इधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी कट लगा हुआ है और वो नीचे भी लगा हुआ है। इससे ज़रा मज़बूती आएगी और फ्रेम थोड़ा पक्का बनेगा। अब ये देखें, उसके अलावा ये जो लकड़ी लगाई है ये इसको सपोर्ट देने के लिए दरवाजे को, और यहाँ पे भी दरमियान में 3 लकड़ियाँ लगी हैं सपोर्ट के लिए, सिर्फ मज़बूती बनाने के लिए। और ये शीट थी 4x4 की, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड की करके तो इसके साइड पे हल्के हल्के कट्स लगा के इसको पूरा फिट किया हुआ और साइज के हिसाब से रखा हुआ। अब अभी ये रखी हुई है, सिर्फ कील नहीं लगे, और 2-3 कील लगाए हैं। अभी इसको कील लगाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे, उसके बाद जाली वाला काम शुरू करना। सो लेट्स गेट टू वर्क।